सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा फोर्थ की पाठ संख्या 15, जिसका नाम है जन्मदिन के बहाने। तो पढ़ते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। माँ और उसकी संतान का रिश्ता अत्यंत गहरा होता है। माँ के प्यार दुलार में इतनी ताकत होती है कि वह अपने बच्चे से किसी भी तरह का काम करवा सकती है। माँ अपनी दो बेटियों को दान के सुख से कैसे रोमांचित करती है, इस बात का पता तो पाठ पढ़ने के बाद ही हम लगा सकते हैं। तो पढ़ते हैं हमारा पाठ, पाठ संख्या 15, जिसका नाम है जन्मदिन के बहाने। मम्मी ने जब कमरे में प्रवेश किया, तब अर्पिता और अर्चना चिंतित मुद्रा में लग रही थी। जब मम्मी, अर्पिता और अर्चना दो बेटियां हैं और उनकी माता जब उनके कमरे में प्रवेश करती है, तो वो बहुत ही चिंता में दिखाई दे रही है। कौन? अर्पिता और अर्चना। क्या बात है, मेरी बेटियां बहुत गंभीर नज़र आ रही है। कौन पूछती है? माँ। कि ऐसा क्या हुआ कि मेरी बेटियां इतनी चिंतित नज़र आ रही है? मम्मी, हमारा जन्मदिन जून में क्यों आता है? अर्पिता ने जवाब में प्रश्न ही पूछ लिया। अब जब उनकी माँ पूछ रही है कि इतने चिंतित क्यों हो, तो अर्पिता कह रही है कि मम्मी, हमारा जन्मदिन जून में ही क्यों पड़ता है? क्योंकि तुम दोनों जुड़वा बहनें जून में पैदा हुई थी, हंसते हुए मम्मी ने कहा। क्या कहते हैं कि तुम दोनों बहनें जो हो वो जुड़वा हो, और तुम जून के महीने में ही तुम्हारा जन्म हुआ था, इसलिए तुम्हारा जन्मदिन जून के महीने में आता है। आगे क्या बोलते हैं, लेकिन हम जून में क्यों पैदा हुए, यह भी कोई महीना है पैदा होने के लिए? खिंची हुई अर्चना बोली। अर्चना को बहुत गुस्सा आ रहा है, जन्मदिन का सारा मज़ा ही खत्म हो जाता है। हमारी सभी सहेलियां तो छुट्टियां होते ही बाहर चली जाती है, अर्पिता ने अपनी समस्या बताई। अब अर्पिता कहती है कि जन्मदिन का सारा मज़ा ही खत्म हो जाता है, क्योंकि जून के महीने में तो स्कूल की भी छुट्टियां हो जाती है, तो सभी अपने अपने गांव चले जाते हैं, कोई कई जगह पे घूमने चला जाता है। तो ये बात अर्पिता को अच्छी नहीं लग रही। ओह, तो यह समस्या है, कुछ सोचते हुए मम्मी बोली। हाँ, यही समस्या है, रुआसी थी दोनों बहनें मम्मी की ओर देखने लगी, जो उनका चेहरा है वो रोने जैसा हो गया था, और वे यह बोलती कि हाँ यही समस्या, और वो अपनी मम्मी की तरफ देखने लगी। ठीक है, तुम दोनों ऐसा करो कि खूब सोच समझ कर एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाओ। अब मम्मी कहती है कि तुम अच्छे से सोच लो कि तुम्हें अपने जन्मदिन पर क्या क्या करना है, और तुम एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाओ जिसमें तुम्हें लगे कि तुम्हें खूब मज़ा आएगा। इस बार तुम दोनों का जन्मदिन कुछ ऐसे मनाएंगे कि वह यादगार बन जाए, यानी सालों सालों तक याद रहे कि हमने इस महीने में भी बहुत अच्छा जन्मदिन मनाया था, और तुम्हें सच्चा सुख भी मिले, मम्मी बोली। लेकिन कैसे? तुम दोनों सोचो, कोई एक प्लान तो बनाओ, फिर उसमें कुछ जोड़ घटा लेंगे, मम्मी उठते हुए बोली। मम्मी बोलती है कि तुम एक बहुत अच्छा सा प्लान बनाओ कि तुम्हें क्या क्या करना है, किसे बुलाना है, क्या पहनना है, क्या खाना बनवाना है, ये सभी, फिर उसमें से कुछ जोड़ घटा लेंगे जो बहुत ज़्यादा लगेगा। मम्मी, अर्पिता ने टोका, बेटा अभी जन्मदिन को पूरा 1.5 महीना बाकी है, और नाश्ता हमें अभी करना है। मैं नाश्ता बना लूँ, फिर बैठते हैं, तब तक तुम दोनों सोचो। मम्मी उठकर चली गई। नाश्ते के बाद तीनों साथ में बैठे। जब नाश्ता करने लगते हैं तो तीनों साथ में बैठकर प्लान बनाते हैं। बताओ तुम लोगों ने क्या प्रोग्राम बनाया है, मम्मी ने पूछा। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन आप उसमें से कुछ भी नहीं काटेंगे, अर्चना बोली। अर्चना क्या बोलती है कि हमने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है, लेकिन आप उसमें से कुछ भी हटाएगी नहीं, हमें जो भी अच्छा लगता है वो हमने हमारी लिस्ट तैयार कर दी है। ठीक है भाई, कुछ नहीं काटेंगे, अब तो बताओगी, मम्मी मुस्करा दी। हम सब पिकनिक मनाने चलेंगे, अर्चना ने कहा। अब दोनों बहनों ने क्या प्लान किया है कि उनके जन्मदिन पर सब पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे। ठीक है, मम्मी ने मान लिया। घर आकर हम लोग पिकनिक का सामान रख देंगे, फिर पिक्चर देखने चले जाएंगे, अर्पिता ने जोड़ा। अब अर्पिता आगे बोलती है कि हम पिकनिक से घर आ जाएंगे और फिर हम पिक्चर देखने जाएंगे, यह भी मान लिया। मम्मी ने स्वीकृति दे दी, यानी हाँ भर दी। वहीं से हम लोग कहीं बाहर होटल में रात का खाना भी खाएंगे, अर्चना ने अपनी बात पूरी की। और आइसक्रीम भी, अर्पिता ने छूटी कड़ी छोड़ी, यानी अब पीछे से अर्पिता भी बोलती है कि और आइसक्रीम भी खाएंगे, चलो यह भी मान लिया। मम्मी के यह कहते ही दोनों बहनें खुशी से उछल पड़ी। दोनों ने आगे बढ़कर मम्मी का गाल चूम लिया। क्या कहते हैं कि दोनों बहनों का जब वो प्लान मान लिया जाता है, प्रोग्राम जो उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, तो उसे देखकर मम्मी खुश हो जाती है, और जब बेटियां भी खुश हो जाती है तो वो अपने मम्मी का गाल चूम लेती है। यह तो था तुम्हारा प्रोग्राम जो पूरा का पूरा मैंने मान लिया, क्या अब इसमें से मैं भी कुछ जोड़ दूँ, मम्मी ने पूछा। मम्मी बोलती है कि जो तुमने प्लान बनाया, अब इसमें मैं भी कुछ अपना जोड़ सकती हूँ क्या? हाँ, लेकिन पूरा दिन तो निकल गया, आप कहाँ पर जोड़ेंगी, अर्चना ने पूछा।
एकदम सुबह, यानी सुबह सुबह उठते ही उनका कुछ प्लान है। ठीक है बताइए, अर्पिता ने कहा। तुम दोनों को पता है हमारे घर में जो लक्ष्मी काम करती है उसकी एक छोटी सी बिटिया है। बीच में बात काटते हुए अर्चना बोली, हाँ देखा है, कई बार वह घर भी आई है। जो उनके घर में काम करने के लिए आती है उनकी छोटी बेटी का नाम क्या है? लक्ष्मी। उसका जन्मदिन भी उसी दिन है जिस दिन तुम्हारा है, मम्मी ने बताया। जिस दिन अर्पिता और अर्चना का जन्मदिन आता है उस दिन उनके घर पर जो काम करने वाली आती है लक्ष्मी, उनकी बेटी का जन्मदिन भी उसी दिन आता है। अच्छा, कैसा संयोग है, अर्चना बोली, यानी ये कैसा हमारा संयोग बैठा है, कोइंसिडेंस। लेकिन आप ये सब बातें हमें क्यों बता रही हैं, अर्पिता ने पूछा। इसलिए कि मेरे पास फ्रॉक का सुंदर सा कपड़ा है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी कटिंग कर दूँ और तुम लोग उस पर मशीन चलाकर उसके लिए फ्रॉक बना दो और अपने जन्मदिन पर अपने हाथों से उसे उपहार में देना। दोनों की ओर देखते हुए मम्मी बोली। दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों ही आंखों में कुछ बात की। ठीक है मम्मी, आपने हमारा पूरा प्रोग्राम मान लिया तो हम लोग भी आपका ये प्रोग्राम मान लेते हैं, अर्पिता ने सहमति प्रकट की, यानी अर्पिता ने हाँ कह दिया। अगले ही दिन से माँ और बेटियों का कटाई सिलाई का काम प्रारंभ हो गया। मम्मी बताती जाती और दोनों सिलाई करती जाती। धीरे धीरे कपड़े ने फ्रॉक का आकार ले लिया। कब महीना बीत गया पता ही नहीं चला। मम्मी कुछ और कपड़े खरीद कर ले आई। इसी प्रकार तीनों ने मिलकर उनको भी सील डाला। रंग बिरंगी फ्रॉकें सील कर तैयार हुई तो वे खुशी से झूम उठी। अर्पिता, अर्चना, पता है आज क्या तारीख है, मम्मी ने बटन टांगती हुई बेटियों से पूछा। अरे परसों तो हमारा जन्मदिन है, अर्चना चौंक उठी कि अरे हमारा तो परसों ही जन्मदिन आने वाला है। कमाल है, डेढ़ महीना निकल गया और पता ही नहीं चला, आश्चर्य से अर्पिता ने कहा। सच, इस बार काम काम में छुट्टियां बीत गई और बोर होने का समय ही नहीं मिला, अर्चना बोली तो सभी खिलखिलाकर हंस पड़े के। हर बार तो हम छुट्टियों में बोर भी होते हैं, हमारे साथ कोई खेलने वाला भी नहीं होता, लेकिन इस बार पता चला उनको कि उनके काम वाली जो लक्ष्मी आती है उनकी बेटी का जन्मदिन भी अर्पिता और अर्चना के जन्मदिन के दिन ही आता है, तो वे बहुत खुशी हुई और डेढ़ महीना उनका फ्रॉकें बनाने में चला गया और उन्हें पता भी नहीं चला। तुम्हें पता है इन दिनों हमने कितनी फ्रॉकें बनाई हैं? 12 फ्रॉकें, मम्मी ने प्रसन्नता से बताया। दोनों बहनें आश्चर्य से एक दूसरे का मुँह देखने लगी। फिर अर्पिता ने कहा, मम्मी हमारे इस जन्मदिन का उपहार तो आपने हमें पहले ही दे दिया। कहाँ दिया, तुम लोग मेरी अलमारी में से निकाल लाई क्या, चौंक कर मम्मी बोली। मैं उस उपहार की नहीं, इस उपहार की बात कर रही हूँ, अर्पिता ने कहा। इस उपहार की मतलब, आश्चर्य से मम्मी ने पूछा। मम्मी मैं आपके लिए इस सिलाई के ज्ञान की बात कर रही हूँ, अर्पिता बोली। अब जो उनको सिलाई नहीं आती थी और इन डेढ़ महीने में जो उनकी मम्मी ने उन दोनों को सिलाई सिखाई है, ये उन दोनों के लिए सबसे बड़ा जन्मदिन का उपहार है। अच्छा शैतान लड़की, मम्मी मुस्कुराते हुए बिना नहीं रह सकी। जन्मदिन की शुरुआत एक अनोखे ढंग से हुई। जब तक दोनों बहनें नहा धोकर तैयार हुई, लक्ष्मी और छाया आ चुकी थी। मम्मी ने उन्हें पहले ही बुला रखा था पिकनिक पर ले जाने के लिए। जो कुछ भी बना था पहले उन दोनों को खिलाया। पिकनिक पे जाने की तैयारी हो रही थी क्योंकि अर्पिता और अर्चना का आज जन्मदिन है, तो लक्ष्मी और छाया, जो उनकी छोटी बेटी है, लक्ष्मी की छाया नाम है उसका, उसका भी आज जन्मदिन है। जो पिकनिक पर जो खाना बनाया है वो उन दोनों को पहले खिलाया गया। उसके बाद दोनों बहनों ने अपने हाथ से बनी सारी फ्रॉकें नन्ही छाया को जन्मदिन की बधाई के साथ दे दी। इतनी सारी फ्रॉकें पाकर वे दोनों खुशी से रोने लगी। उन्हें विदा करके सब लोग पिकनिक के लिए निकले तो अर्पिता ने भावुक स्वर में कहा, मम्मी आपने सच कहा था, यह जन्मदिन यादगार और सच्चा सुख देने वाला है। आज हमने देने का सुख जाना कि देना क्या होता है। हमेशा जीवन में इंसान को लेते लेते नहीं रहना चाहिए, हमेशा देने की प्रवृत्ति भी उसमें होनी चाहिए। अर्चना भी मम्मी के गले से लगकर बोली, धन्यवाद मम्मी। खुशी से डूबती उतरती टोली को लेकर कार पिकनिक की मंजिल की ओर बढ़ चली। तो इस प्रकार इस पाठ में बताया गया है कि अर्पिता और अर्चना का जन्मदिन किस प्रकार से मनाया जाता है। तो जन्मदिन के बहाने, इस ना पाठ का नाम ही इस प्रकार रखा गया है, जन्मदिन के बहाने उन्होंने अपने जन्मदिन पर एक कुछ नया सीखने को मिला, सिलाई का ज्ञान उन दोनों बहनों ने लिया। धन्यवाद।